जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 2017 में जो फाइनल मेट आई थी उस समय जो SSC ने जो डेट दी थी पहले 30 तारीख दी थी 30 जनवरी 2017, लेकिन बाद में इन्होंने जब नोटिफाई किया था 30 तारीख को नहीं आया था तो एक डेट दी थी 4 फरवरी, तो 4 फरवरी की वो डेट दी थी, तो उससे मतलब 3 तारीख को ही रिजल्ट आ गया था, यानी 2 तारीख को नाइट में रिजल्ट आ गया था, 3 तारीख इसमें दी गई है डिक्लेरेशन के लिए, लेकिन जो असलियत में जो रिजल्ट था वो दोस्तों आ गया था 2 तारीख को नाइट में, जबकि पहले इन्होंने जो डेट दी, जैसे आप देख रहे हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो इनकी जो डेट थी, जब से मैं बोल रहा था कि कल जो रिजल्ट आने के जो चांसेस थे आप देख लेना, मैं आपको इसका भी टाइम बताऊंगा कि SSC जो फाइनल मेट आई थी उसका टाइम क्या था, इसीलिए मैं जो टाइम बता रहा था आपको उस टाइम पर रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस था, लेकिन नहीं आया, अपडेट नहीं किया SSC ने। आप स्टेनोग्राफर के चाहे रिजल्ट देख दो, 30 तारीख को था, देखो 1 तारीख का था, 1 तारीख को आया, 9 तारीख का था, 9 तारीख को आया, ये 12 को था, ये 14 को 2 दिन बाद में आया क्योंकि हॉलीडे की वजह से 12 को नहीं आया था, और बाकी 16 को था, फिर 16 को आया था, और फिर 2 का था, और ये 30 को ही आ गया था, मतलब एक दिन 2 दिन पहले ही आ गया था SSC के जो रिजल्ट था वो 2 दिन पहले ही आ गया था। और जो कॉन्स्टेबल देखो आप देख रहे हो ऐसे कॉन्स्टेबल एग्जामिनेशन 2015 फाइनल रिजल्ट जो कि आप देख रहे हो, ये इधर फाइनल जो रिजल्ट था वो 30 तारीख जो डेट दी थी पहले, तो 30 तारीख को नहीं आया था, फिर SSC ने एक नोटिस जारी किया था, वो नोटिस तो नहीं है, वो नोटिस जारी किया था उसमें इन्होंने 4 फरवरी को बताया था कि 4 फरवरी को रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर 3 को आ गया था, लेकिन ये 3 को नहीं, ये 2 को आ गया था दोस्तों, 2 फरवरी को आ गया था नाइट में, तो यानी वो 3 को इसलिए काउंट हुआ क्योंकि नाइट में 1 बजे के आसपास ही रिजल्ट अपलोड हुआ था 2 फरवरी को, तो इसीलिए फिर ये 3 को अपलोड हुआ, लेकिन ऐसे मतलब 2 दिन लेट आया था पिछली बार भी, जो शुरुआत कैसे 3 दिन लेट था ये, मतलब 30 तारीख डेट थी, 30 को नहीं आके नहीं 30 को आया था, 1 और 2 की नाइट में आया था, ये 3 को इसीलिए दिखा रहा है, यानी 3 या 4 दिन लेट हुआ था, पिछली बार भी जो रिजल्ट था वो 4 दिन लेट था दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट पोस्टपोन नहीं होगा। बहुत सारे लोग बार बार मतलब बहुत ही डिमोटिवेट भी हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, परेशान तो मैं आपका समझ सकता हूँ कि सभी परेशान हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ या आप भी ले लो, सभी परेशान हो रहे हैं क्योंकि रिजल्ट बार बार आप साइड चेक कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और सभी को एक डर बैठा हुआ, खाना भी नहीं खाया कई लोगों ने, सभी के डर बैठा हुआ, चाहे मैं हूँ चाहे आप, चलो अब आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो मेरे को भी वो डर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, रिजल्ट आएगा, 1 या 2 दिन लेट हो सकता है लेकिन आएगा ज़रूर, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव वाइब में रखना है, ठीक है, और ज़्यादा परेशानी होना, मैं तो देख रहा हूँ आपकी लैंग्वेज बिल्कुल इतनी बिगड़ती जा रही है यार, पेशेंस होना चाहिए, आप अगर 3 साल वेट किए हो तो आप अगर ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, मतलब आप फौज की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप में पेशेंस होना चाहिए, आपको पता नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में कितना मतलब पेशेंस चाहिएगा, तो इतने मतलब उतावले मत हो, इतने मतलब गलत शब्द मत बोलो, आप ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है परेशान कर लिया उसने भी, तो वो तो दिख ही रहा है, लेकिन बी पॉजिटिव दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, रिजल्ट आ जाएगा, ये तो है नहीं कि इसी रिजल्ट के आने के बाद में आपकी मेन तो ज्वाइनिंग होगी, वो दिन होगा ना, तो रिजल्ट की वजह से मुझे पता परेशान हो रहे हैं, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि बार बार ये परेशानी बहुत सामने आ रही है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, मुझे पता बार बार रिजल्ट चेक करने, लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो ये देखो 30/1/2017 की जो डेट दी थी और 3/2 को आया था, लेकिन 30 को नहीं आया था ना, तो इन्होंने फिर 4 फरवरी डेट दे दी थी पिछली बार, तो अभी डेट नहीं दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट या तो आज आ जाएगा या कल तक, तो आज ही आने के चांसेस है, आज या कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, परेशानी आपको हो रही है ये मैं भी मानता हूँ और होनी लाजमी है, क्योंकि आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हो, मेहनत लगी आपकी और परेशान तो हो गए, इसमें कोई शक ना, लेकिन एक तो अपनी लैंग्वेज सही रखो दोस्तों, किसी को गलत मत बोलो, चाहे वो SSC GD है, चाहे कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, कोई भी कमीशन है, वो काम कर रही है अपना, किसी कारणवश उनसे अगर मान लो हमसे भी गलती होती है या हमसे भी लेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लैंग्वेज ख़राब कर लें, ये हमारे संस्कारों को दिखाती है, इसलिए अपनी लैंग्वेज कभी गलत ना करो दोस्तों, ठीक है, पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर उन्होंने 30 तारीख ये डेट नहीं देखी, अगर वो जो डेट अभी हमको मिली है ये डेट नहीं देखे, 20 तारीख नहीं देखे, 25 तारीख देते तो हम बोलते क्या, तो उन्होंने डेट दी है 20 तारीख, ये नहीं उनका अनुमान था कि 20 तारीख को रिजल्ट दे देंगे, आप कुछ कारणवश वो नहीं दे पा रहे हैं तो 1-2 दिन और वेट करके देखो 21-22 तक दे देंगे, तो इसलिए गलत नहीं सोचना है और ना ही इतना गंदा बोल रहा है, बहुत मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया था, मैंने भी बंद कर दिया क्योंकि कुछ लोग बहुत ही गंदी वर्ड यूज़ कर रहे हैं और ये अपने घर के संस्कार दिखा रहे हैं, तो अपने घर के संस्कार बाहर मत दिखाओ दोस्तों, ना इतने माँ बाप आपके आपकी छवि आपसे आपके माँ बाप की छवि, इसलिए कभी भी गलत मत बोलो चाहे कोई भी हो, ठीक है, आप किसी को कुछ बोल भी रहे हो आपको गुस्सा भी है तो जायज़ वर्ड बोलो, ना जायज़ वर्ड ना बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं, अगर आपको फोर्स का मेम्बर बनना है तो ये चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपके संस्कार है, इन चीज़ों को कभी मत भूलो, अच्छी बात बोलो, इंतज़ार सभी कर रहे हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज कभी मत ख़राब करो,
तो दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा, आजकल में आ जाएगा पक्का, चिंता ना करें। रिजल्ट कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है, ना कोई रिजेक्शन आने वाला है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा एक दो दिन में। जय हिंद, जय भारत।